नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स की, जिसके बारे में बेसिकली उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है कि ये क्या प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों को नहीं पता होता तो उन्हें कई बार वो इस प्रॉब्लम को कैंसर से भी रिलेट कर लेते हैं कि कहीं उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो इससे रिलेटेड आजकल हमारे पास बहुत सारे मतलब केसेस आ रहे हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं और इसके कारण क्या हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, और इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो इसका उपचार क्या है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करने से पहले, मैं सबसे पहले इन शॉर्ट यहाँ पे एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं, उनके बारे में मैं एक बार इन शॉर्ट आपके साथ फिर से डिस्कस करना चाहूँगी। इसके बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो हमारी सीरीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें फर्स्ट एपिसोड ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पार्ट्स होते हैं। और नहीं, अगर आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन मैं यहाँ मेजर पार्ट के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला फेलोपियन ट्यूब्स, यानी जिसे गर्भ की नली भी कहा जाता है, यानी गर्भ नली को कहा जाता है। दूसरा ओवरीज, इन्हें अंडाशय भी कहा जाता है, यानी इसमें अंडों का ये आशय होता है इसीलिए इसे अंडाशय कहा जाता है, यहाँ पे एग्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद यूट्रस, यानी जिसे गर्भाशय भी कहा जाता है, यानी जहाँ पे कंसीव करने के बाद बेबी मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट बेबी की गर्भाशय में ही होती है। तो ये तीन मेजर पार्ट्स हुए, ठीक है। अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने तीन फेजेस बताए थे, जिसमें से एक फेज में जो सेकंड फेज होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो ओवरीज है, यानी जो आपके अंडाशय हैं, वहाँ से एग रिलीज़ होता है ना, जब मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से रिलीज़ होता है एक एग, और फिर वो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की तरफ आता है, और वहाँ पे जब ये जो एग की फॉर्मेशन होती है, किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो हेल्प करता है इसमें। मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में बताया है, आप उसमें और डिटेल में समझ सकते हैं। तो उसी एस्ट्रोजन का एक तो काम क्या होता है कि जो आपकी एग जो रिलीज़ कराने का काम है वो है, फाइन। दूसरा काम क्या है उसका, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्रस, जो हमारा गर्भाशय है, उसकी अंदर की लाइनिंग, यानी जिसे कई बार गर्भाशय की झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कई बार कहते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहते हैं कि जी आपके गर्भाशय की जो झिल्ली है ना उसमें सूजन आ गई है। तो गर्भाशय की झिल्ली मतलब जो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम हुआ गर्भाशय की झिल्ली जो मैं बात कर रही हूँ, तो एंडोमेट्रियम यानी ये यूट्रस की अंदर की लाइनिंग होती है, उसको बनाने का काम भी एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, फाइन। तो ये आपका हुआ। जब आपका महीना आ जाता है, यानी जब स्पर्म नहीं मिल पाता एग से, यानी ओवम से जब स्पर्म नहीं मिल पाता है, यानी जब आप कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो यही लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है आपके वजाइना के थ्रू, यानी आपकी योनि माँ के थ्रू शेड ऑफ हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको महीना आ गया है, ठीक है। अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो ये जो लाइनिंग है ये हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, ताकि वहाँ पे अच्छे से बेबी मतलब रुक जाए, ठहरने में बेबी के हेल्प करती है। ये मैं आपको एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ, वहाँ पे ठहरने में हेल्प करती है। तो वो जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ नहीं करती है, ठीक है। तो ये मेरा समझाने का जो मतलब है वो भी आगे आपको वीडियो में समझ आ जाएगा कि मैं ये बातें आपको क्यों दोबारा से बता रही हूँ।
अब हम बात करते हैं, एक बार इन शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जो यूट्रस है हमारा, जो गर्भाशय है, उसकी लेयर होती हैं, ठीक है, तीन लेयर होती हैं। जो सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसे सिरोसा भी कहा जाता है या फिर पेरीमेट्रियम भी कहा जाता है, यानी पेरी मतलब आउटर, यानी जो गर्भाशय है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है, यानी आप ये समझिए कि जैसे आप अगर एक मैं यहाँ पे नॉर्मली एक मैं प्याज का अगर एग्जाम्पल दूँ, तो जो सबसे जो प्याज है तो जो सबसे उसके बाहर वाली लेयर है जो बिल्कुल पतली सी लेयर होती है ना, तो आप उसे समझिए कि पेरीमेट्रियम हो गया। और जो जब वो हटेगी तो एक थोड़ी मोटी हल्की सी लेयर आएगी, यानी जो सेकेंड लेयर होती है। तो वैसे ही जो गर्भाशय की सेकेंड लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, यानी जो आप ये समझिए कि जो प्याज की जो सबसे अंदर वाली लेयर हुई, तो उसे क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। तो सेम चीज़ है, यानी जो गर्भाशय है जो उसकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसी को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो जैसे जो एंडोमेट्रियोसिस है उसको जो हम ये बात अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये होती है कि जो एक गांठ या फिर एंडोमेट्रियम सेल्स का बाहर यानी यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रोथ हो जाना, उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यानी ऐसी ग्रोथ, ऐसी एंडोमेट्रियल सेल्स की ग्रोथ जो कि यूट्रस के बाहर होती है, यूट्रस के अंदर नहीं होती है, यूट्रस के बाहर होती है, उसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बताया कि गर्भाशय की झिल्ली होती है, वैसी ही सेम मतलब लाइक एज सिल्ली जो झिल्ली होती है वो यूट्रस के पीछे भी हो सकती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब के पास हो सकती है, या फिर ओवरीज में हो सकती है, फाइन। तो या फिर और कुछ केसेस में, ये वैसे बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि नीचे की तरफ भी हो जाता है। नीचे की तरफ कहाँ, जो आपका यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पे भी कई बार जो ये एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं कई बार वहाँ पे भी चले जाते हैं, फाइन। तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो वहाँ पे हो जाती है। अब एंडोमेट्रियोसिस को सबसे सिंपल लाइन्स में मैं आपको समझा देती हूँ। एंडोमेट्रियल सेल्स की ग्रोथ यूट्रस की बजाय जो उसकी जो ग्रोथ की जगह है वो कहाँ हुई, एंडोमेट्रियम, यानी जो गर्भाशय है उसके अंदर उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जो उसकी लाइनिंग होती है अंदर होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होती है वो यूट्रस यानी गर्भाशय की बाहर की तरफ हो जाती है। तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये तो आपने जाना कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ठीक है, यानी आपके गर्भाशय के बाहर किसी भी प्रकार की गांठ का बन जाना या फिर कोई सिस्ट बन जाना, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब हम इसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि किस वजह से होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आयुर्वेद को लेके चलती हूँ, आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से क्या होता है। आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें बेसिकली वायु यानी अपान वायु यानी वात का प्रकोप होता है, यानी वात इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ ही साथ पित्त और कफ भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर बाउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पित्त और कफ की वजह से भी होता है। लेकिन अभी यहाँ पे अपान वायु की वजह से जो डाउनवर्ड मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपान वायु यानी वात की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपकी जो वात है आपकी बॉडी में उसमें इम्बैलेंस आ गया, और साथ ही साथ पित्त और कफ में भी आया है लेकिन वात में ज़्यादा आया है, फाइन। अच्छा, इसके बाद हम कारण की जैसे बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने कभी कोई प्रीवियस सर्जरी करवाई है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है एंडोमेट्रियोसिस की, ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने उस टाइम कहा था कि आज की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जैसे कि अब क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा हम करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बेसिकली अब क्या होता है कि हम रात को 12-1 बजे तक सोते हैं और सुबह फिर काफ़ी लेट उठते हैं, ठीक है। जैसे या फिर शिफ्ट्स की जो प्रॉब्लम होती है कि शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो सुबह बहुत लेट तक सो रहे हैं, तो इनकी वजह से, या फिर हम
बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगे हैं, हमें घर में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा तो हम बाहर से भी कुछ ऑर्डर भी करते हैं तो जंक फूड ही ऑर्डर करते हैं, कुछ सिंपल सैलड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो। उसके अलावा खाने का भी टाइम फिक्स नहीं है, यानी कई बार हम ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करते हैं और कई बार जो इवनिंग का जो स्नैक होता है और जो हमारा डिनर होता है वो भी कई बार हम एक साथ करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत सिडेंट्री हो गया है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अब ये तो आपको एक मैंने कॉज बता दिया, ठीक है, कि इसकी वजह से होता है। इसमें और भी कॉजेज होते हैं, जैसे वात का मैंने आपको बताया कि वात तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव वात इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, पित्त भी इन्वॉल्व है और कफ भी इन्वॉल्व है, लेकिन वात का ज़्यादा रोल है इसमें। इसके बाद मैंने आपको बताया सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब हम और इसके अलावा एक और कि आपकी अगर कोई सर्जरी हुई है तो अब हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि क्या लक्षण होते हैं जिससे आपको थोड़ा पता लगे कि आपको क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है कि जो आपका महीना आता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना, पेन नॉर्मल पेन, जैसे अब ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है कि जैसे कुछ महिलाएं कहती हैं जी हमें तो हमेशा ही पेन होता है, लेकिन पेन ऐसा होना कि कई बार महिलाओं को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर बिना दवाई लिए उनको आराम ही नहीं मिलता, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि वो दवाई भी ले लेती हैं फिर भी उनको आराम नहीं मिलता। और ये जो दर्द है, यानी कई बार PMS को समझ के हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि जी ये तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी जो महीना आने से पहले जो कुछ कुछ महिलाओं में जैसे एक दिन पहले दो दिन पहले थोड़ा दर्द आ जाता है या फिर कुछ ऐसा, तो कई बार हम वो समझ के इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। दर्द आपको आयुर्वेद के अनुसार अगर आपको कहीं दर्द है तो वहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट है, यानी वात इम्बैलेंस हो गया है। तो अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि वात आपका जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, इसकी वजह से आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमेशा मन करेगा कि उल्टी यानी नौजिया जैसी फीलिंग आती रहती है, कुछ महिलाएँ तो बेहोश हो जाती हैं दर्द की वजह से, उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम आएगा, ये तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम हो गया। इसके अलावा उनके बैक पेन, हमेशा उनके कमर में दर्द रहेगा और हमेशा उन्हें बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होती है। कई बार पीरियड्स के बीच में भी उनको कई बार स्पॉटिंग हो जाती है, ठीक है, और जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन यानी जो महीना आता है उस समय जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और क्लॉट्स भी आते हैं कई बार, तो ये एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण होते हैं। अगर आपको ये लगातार हो रहे हैं तो आपको जांच करवाने की ज़रूरत है कि कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा और क्या सिम्टम हो सकते हैं, इसके अलावा जब वो संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसकी वजह से वो संबंध नहीं बना पाते। दूसरा क्या होता है कि जब वो यूरिन पास करते हैं या फिर स्टूल पास करते हैं तो उस समय भी उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये भी कुछ लक्षण होते हैं जो कि कम देखने को मिलते हैं लेकिन ये भी लक्षण होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में। तो आज की वीडियो में हमने बात करी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एंडोमेट्रियोसिस का, उसमें मैं बात करूंगी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है और इसका उपचार क्या है आयुर्वेदा में। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जो एंडोमेट्रियोसिस का है उसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई मेडिसिन ऑर्डर करनी है और आपको घर के पास नहीं मिल पा रही है अभी की सिचुएशन में तो आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके कोई भी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हम खुद प्रिपेयर करते हैं तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं या तो लिंक के थ्रू, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जाके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो भी आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।